वेलकम टू दी शाइस्ता एंड रूसा कुकिंग काउंटर। सो हाउ आर यू ऑल गाइस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्फा आइसक्रीम। ये एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डिश है जो कि आप घर में इजीली बना सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स चाहिए। सबसे पहले आप जो है 1.5 किलो दूध ले लेंगे और उसको जो है वो आपने बॉईल कर लेना है तब तक जब तक वो हाफ रिड्यूस ना हो जाए। उसके बाद आपने जो है वो इसमें छोटी इलायची डालनी है, तकरीबन 1 pinch उसका पाउडर डालना है। फिर आपने 4 teaspoon जो है वो ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं, बादाम पिस्ते, और आपने जो है वो इसको दूध में ऐड कर देना है। उसके बाद आप आइसिंग शुगर लेंगे, हमने यहाँ 1 cup लिया, आप एज़ पर रिक्वायर्ड ले सकते हैं। उसको भी आपने जो है वो अपने मिल्क में ऐड कर देना है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टेक पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क आप लेंगे तकरीबन 5 teaspoons, और आपने जो है वो इसको दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, पानी में भी मिक्स कर सकते हैं, और फिर आप इसको अपने मिल्क में जो आपने रेडी किया है मिक्स करेंगे। फिर इस मिक्सचर को आप अलग बाउल में निकाल लेंगे और उसमें हमने जो होम मेड व्हिप क्रीम बनाई थी वो आप इसमें तकरीबन 1/2 cup जो है वो ऐड कर देंगे। व्हिप क्रीम का लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद जो है आपने इसको अच्छे से विस्क करना है, विस्कर से, ताकि अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। और आपको जो है वो इसको मेक श्योर करना है कि ये मिक्सचर जो है वो आपका ठंडा हो, ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद आप जो है वो उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स इस पर थोड़े से और आप स्प्रिंकल कर देंगे ताकि जो है वो अच्छा सा इसमें लुक आ जाए। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एड क्लिंग शीट। आप जो है वो इसमें लेमिनेशन शीट यानी कि क्लिंग शीट इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसकी जो एयर है वो बाहर ना जाए, और इसको बिल्कुल आप एयर टाइट कर देंगे और आप इसको तकरीबन 6 to 7 hours के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। आफ्टर 6 to 7 hours आप देख सकते हैं कि हमने जो है उसको अनरैप करा, हमने इसमें से क्लिंग शीट इसके ऊपर से हटाई है, और वाओ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हमारी कुल्फा आइसक्रीम बन के बिल्कुल रेडी है। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेक्सचर वाइज भी अच्छी बनी है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। और आप देख सकते हैं बहुत यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनी है, बहुत मज़ेदार। और ये होममेड है, हमने इसको घर में प्रिपेयर करा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता और हम ला रहे हैं शाइस्ता एंड उरूसा कुकिंग की जानिब से बहुत सारे मज़ेदार वीडियोज़ जो आपकी हेल्थ के लिए गुड है, जिनका बनाना बहुत ही आसान है। और आप हमारी वीडियोस को देखिए, उनको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है आप सब के लिए कि आप सब लोग जो हैं कोरोना वायरस की बीमारी से महफूज रहें, हर मुसीबत हर परेशानी से आप सबको महफूज रखें। परवरदिगार आलम आप सबको इस बीमारी से निजात दे जल्द अज जल्द, और आप लोग घर में रहें और एहतियात करें हर तरह से अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम दुआगो हैं आपके लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।